पाकिस्तान से सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा सचिन के पास पहुंची सीमा हैदर की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब उसका पाकिस्तानी पति सामने आया है। एक न्यूज चैनल को दी इंटरव्यू में सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने दावा किया है कि उससे भी सीमा हैदर ने लव मैरिज की थी, जबकि उसके परिवार के लोग तैयार नहीं थे। उसने अपनी सरकार से मांग की है कि बच्चे को वापस लाना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान सरकार से मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में रह रहे सीमा हैदर के असली पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा ने उसके साथ लव मैरिज की थी, तब परिवार की रजामंदी नहीं थी। बाद में जब रिंद बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया, तब सबने इस शादी को स्वीकार कर लिया। सीमा से उनका संपर्क कॉल के जरिए हुआ था, फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर ही बातें करते रहे। इसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सीमा के रिश्तेदार इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में शादी की थी। गुलाम हैदर के मुताबिक बाद में जब बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया तो वो कराची रहने चले गए, जहां सीमा के पिता और बहन पहले से रहते थे। गुलाम हैदर ने बताया कि वहां वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। बाद में वो सऊदी अरब चले गए और वहां मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत की और अपना घर बनाने के लिए पैसे भेजे। इस दौरान वो अपनी पत्नी से फोन पर बात करते रहते थे। उनका घर छोटा था, लिहाजा उनकी पत्नी ये बताते हुए किराए के मकान में शिफ्ट हो गई कि मरम्मत का काम खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर में आ जाएगी। इसके बाद वो अपने घर चली गई और वापस नहीं लौटी। गुलाम हैदर के मुताबिक उनकी पत्नी ने घर बेच दिया और अपने साथ सभी ज्वेलरी और बच्चों को ले गई। उन्हें इस दौरान कभी कोई शक नहीं हुआ। बाद में उन्हें अपने जानने वालों से पता चला कि उनकी पत्नी दुबई चली गई है। फिर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी नेपाल चली गई है। फिर सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि वो भारत की जेल में बंद है। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी पबजी गेम से भाग गई थी और उन्हें उनके बच्चों के साथ वापस आना चाहिए। सीमा की ओर से ये कहा गया था कि उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया, लेकिन गुलाम हैदर ने उनके दावों को खारिज किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने तलाक नहीं दिया। वो सीमा को प्यार करते हैं, उन पर इतना विश्वास करते हैं कि घर भी पत्नी के नाम पर कराया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।